तो आपका इंडक्शन कुकर खराब हो गया है, नहीं तो आप पहली बार इंडक्शन कुकर खरीदने वाले हैं। अगर हाँ तो आप सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा इंडक्शन कुकर का। और जो लोग इंडक्शन कुकर यूज नहीं कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एक बार इंडक्शन कुकर यूज करके देखिए, आप गैस को भूल जाएंगे। ये गैस के मुकाबले में बहुत फास्ट होता है और आपका लाइफ इजी हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको यूज करने से इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है, मेरा मानिए ज्यादा नहीं आता है। इसका मॉडल का नाम है बजाज पॉपुलर अल्ट्रा इंडक्शन कुकर और इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मुझे मिला है डूज एंड डोंट्स का एक कार्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद ये रहा एक्सवेल इंडक्शन कुकर, इसको निकलता हूँ अभी। तो ये देखिए, ये है एक्सवेल इंडक्शन कुकर बजाज का। ये यूज करने से गैस का बहुत बचत होता है और इलेक्ट्रिक बिल भी ज्यादा नहीं आता है। तो ये हो गया सामने का हिस्सा। यहाँ पे 8 प्रीसेट मेन्यूज है, इनको दबा के आप अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं। ये इडली के लिए, सूप के लिए, कढ़ी के लिए, वाटर के लिए, राइस बनाने के लिए, मिल्क हीट करने के लिए, कुकर के लिए या डीप फ्राई के लिए। और उसके पीछे देखिए यहाँ पे एक फैन है अंदर में, जब ये ऑन होता है तब ये फैन घूमता है और अंदर के पार्ट्स को ठंडा रखता है। और ये एयर वेंट्स है, यहाँ से गर्म हवा निकलता है बाहर। और इसका जो कोर्ड है इसको आपको लगाना है स्विच बोर्ड में, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो मैंने प्लग पॉइंट को लगा दिया है यहाँ पे स्विच बोर्ड पे, अभी यहाँ पे स्विच ऑन कर रहा हूँ। और स्विच ऑन करते ही देखिए यहाँ पे लाइट जल गया है, लेकिन अभी ये ऑन नहीं हुआ है, आपको इस ऑन को दबाना पड़ेगा। तो दबा दिया है, तो अभी ये दिखा रहा है E0, मतलब ऊपर में कुछ भी नहीं है। तो ऊपर में कुछ डालना पड़ेगा, तो किस तरह का बटन आप डाल सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर आप डाल सकते हैं स्टील का नहीं तो आयरन का बटन, और जो बटन होता है उसका नीचे का एरिया फ्लैट होना पड़ेगा। जैसे कि ये है केटल है, इसका नीचे का हिस्सा देखिए एकदम फ्लैट है, देखिए एकदम फ्लैट है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। और इसका नीचे का ये जो है स्टील का है, तो ये इसके ऊपर हम डाल सकते हैं। उसके बाद और भी बटन है मेरे पास, ये है, ये मिल्क है, इसका भी देखिए स्टील का बटन है, ये नीचे थोड़ा सा राउंड है लेकिन चलेगा। उसके बाद ये स्टील का कुकर है, जो नॉर्मल एल्युमिनियम का कुकर है वो नहीं चलेगा, ये स्टील का कुकर है ये चलेगा। इस स्टील कुकर के अलावा बाजार में एल्युमिनियम के कुकर मिलते हैं जो इंडक्शन बेस होते हैं, और उस कुकर के नीचे आप देख सकते हैं इस तरह का इंडक्शन बेस प्लेट होता है, तो उस कुकर को आप यूज कर सकते हैं। और ये जो कढ़ाई है ये भी एक इंडक्शन बेस कढ़ाई है, और ये वाला भी सॉसपैन पूरा फ्लैट है और स्टील का है। तो अभी क्या करेंगे, मैं आपको पानी उबाल के दिखाता हूँ पहले। सबसे पहले तो देखिए ऊपर में थोड़ा सा पानी गिर गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब शॉक प्रूफ है। अभी देखिए ऑन है और मैं हाथ लगा रहा हूँ, और थोड़ा पानी गिरने से कुछ नहीं होता है। तो इसको मैं अभी रख रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी फिर से ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे जो वाटर है उसमें। तो अभी वाटर बॉयल हो जाएगा कुछ ही सेकंडों में। गैस के मुकाबले में ये बहुत ही जल्दी पानी गर्म करता है। तो पानी उबलते समय आपको मैं बोल देता हूँ, जब आप इसको यूज़ करेंगे इसके आसपास के एरिया खुला होना चाहिए ताकि गर्म हवा बाहर जा सके और ये ख़राब ना हो। वैसे इंडक्शन कुकर जल्दी ख़राब नहीं होता है, मैं करीब 12 साल से इंडक्शन कुकर यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले आया था जापान का, वो मैंने यूज़ किया करीबन 10-12 साल तो यूज़ किया, उसके बाद जाके ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने पिजन का यूज़ किया, वो भी चल रहा है 4-5 सालों से। तो अभी यूज़ कर रहा बजाज का, तो ये भी एक अच्छा इंडक्शन कुकर है। लोग सोचते हैं कि इंडक्शन कुकर यूज करने से लाइट का बिल बहुत ज्यादा आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग पिछले 12 साल से यूज कर रहे हैं लेकिन लाइट का बिल में इतना फर्क नहीं आया है। देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है, भाप निकल रहा है, और गैस में इतना जल्दी कभी नहीं होता है गर्म। और इसमें जो ये बटन है ये देखिए, ये गर्म नहीं हो रहा है। तो गैस में क्या होता है आप इसमें छू नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप छू सकते हैं। तो पानी उबल गया है तो इसको ऑफ कर देते हैं। और ऑफ करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्टली स्विच बोर्ड में जो स्विच है उसको ऑफ मत कीजिए। ये अभी भी ऑन है, मतलब इसका फैन घूम रहा है, और थोड़े देर के बाद इसका जब फैन ऑफ हो जाएगा तब स्विच बोर्ड में स्विच को ऑफ कीजिए। ये करने से इसका लाइफ बढ़ जाता है, जल्दी से खराब नहीं होता है। तो अभी उबालेंगे मिल्क। तो मिल्क का जो फंक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, मिल्क उबल के गिरेगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये है हीट मिल्क, तो देखिए अभी मिल्क उबल रहा है, तो अभी ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, गिरेगा नहीं। इसका यही अच्छा फीचर है, देखिए ऑटोमेटिक नीचे चला गया है, तो उबल के गिरने का कोई डर नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। इंडक्शन कुकर का ये सबसे अच्छा फीचर होता है, दूध को डाल के आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अभी बारी है राइस का, तो अभी दबाएंगे प्रेशर कुकर को, तो अभी राइस बनेगा। तो राइस के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया एक कढ़ाई, ये डीप फ्राई का ऑप्शन है,
तो डीप फ्राई में मैंने दिया है, तो ऊपर में अभी कढ़ाई गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जी वगैरह बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सब्जी बना के नहीं दिखाऊंगा, फिलहाल ये प्लेट गर्म है, देखिए गर्म है। यूज़ करने के बाद ऐसे टच मत कीजिए, और इसके ऊपर अगर गलती से पानी नहीं तो दाल नहीं तो दूध गिर जाए फिर भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं थोड़ा सा आपको डाल के दिखाता हूँ, देखिए तो शॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटरप्रूफ होता है एक्चुअली, अंदर में पानी नहीं जाता है। अगर पानी पूरा अंदर चला जाएगा तब खराब भी हो सकता है। मैं तो ऐसे ही साफ कर देता हूँ, लेकिन आप लोग ऑफ करके कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर पानी गिरने से कुछ नहीं होता है, आप इसको साफ भी कर सकते हैं। और ये एकदम पोर्टेबल है, इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, देखिए हाथ में कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं इसको। तो ये था एक बहुत ही अच्छा इंडक्शन कुकर, आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट इससे कम है तो आप ले सकते हैं पिजन का, और वो भी एक बहुत ही अच्छा इंडक्शन कुकर है जिसको मैं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और उसको खरीदने का भी बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका दाम है 1400 रुपीज़ और इस बजाज का दाम है 2000 रुपीज़, तो चॉइस आपके ऊपर है। तो ये था बजाज की प्रेरणा, नहीं बजाज की नहीं, विश्वास की प्रेरणा। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इस तरह के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।